हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 10 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 संघवाद के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। संघवाद क्या है इसके बारे में हमें जानना है। शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। इसे सामान्यतः संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और गतिशील रहना संभव हो पाता है। संघवाद क्या है? संघ व्यवस्था में शक्ति विकेंद्रित होती है। कोई भी संघ होता है, उसकी जो शक्ति होती है वो विकेंद्रित होती है, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। संघवाद में कोई भी जो शक्ति होती है वह किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक संस्था के पास नहीं होती है, वह सभी व्यक्तियों के पास होती है। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकार कार्य करती है। पहले स्तर की सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है। पहले स्तर की जो सरकार होती है वह पूरे देश के लिए कार्य करती है और इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। दूसरे स्तर की सरकार राज्य या प्रांतों के लिए होती है। साथ ही साथ यह सरकार दैनिक कार्यों को देखती है। दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था क्या है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में नंबर एक पर आता है, इस शासन के अंतर्गत दो स्तरों पर सरकार होती है। दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था, इस शासन के अंतर्गत शासन का एक ही स्तर होता है, राज्य सरकारें और इसके अधीन रहकर कार्य करती है। नंबर टू, संघीय शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में इसमें राज्य और सरकारों को अपनी और शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। संघीय शासन व्यवस्था का थर्ड पॉइंट, इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में विषयों का बंटवारा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्रमशः श्रीलंका का उदाहरण लिया जाता है। बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय तथा राज्य की और सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर प्राप्त थे। जो अधिकार प्राप्त थे उन्हें कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी। सन 1993 के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बेल्जियम ने पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया। श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। वहां समस्त शक्तियां केंद्र और सरकार के अधीन है। अब हम बात करेंगे, विश्व के 192 देशों में केवल 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। विश्व के अधिकांश बड़े देश संघीय शासन व्यवस्था वाले हैं। इन देशों में विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। आगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं होती है जो शासन की व्यवस्था को व्यापक रूप स्वरूप प्रदान करती है। नंबर एक पर आता है, सरकार के दो या अधिकार कह सकते हैं, सरकार के दो या अधिक स्तर क्या होते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न और संबंधित इकाइयों के मध्य बट जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है, दूसरी राज्य स्तर पर होती है। कहने का मतलब है संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की सरकार कार्य करती है। पहली सरकार जो होती है केंद्र स्तर पर होती है, जो पूरे कह सकते हैं कि देश के लिए कार्य करती है। दूसरी जो सरकार होती है वह राज्य स्तर पर कार्य करती है। भारत में सरकार का तीसरा स्तर ये जो है स्थानीय स्वशासन का है। भारत में एक स्तर जो है स्थानीय स्वशासन का है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वह और जिला स्तर पर भी कार्य करती है।
आगे हम बात करेंगे नंबर टू पर दोहरे उद्देश्य क्या होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य सन्निहित होते हैं जहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान किया जाता है, साथ ही साथ वहीं दूसरी और देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाती है। थर्ड पॉइंट है नागरिक और समूह एक पर अधिकार अलग अलग। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें और एक ही और नागरिक समूह पर शासन करती है। कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासन आदि और का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। फोर्थ है सुदृढ़ संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक और प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले दम पर नहीं बदल सकती। बदलाव दोनों स्तर की सरकार, केंद्र व राज्य की ओर सहमति से ही हो सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए गए हैं। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के स्थायित्व और अधिकार की गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। सिक्स पॉइंट है न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को संविधान तथा विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की और सरकारों के मध्य अधिकारों से संबंधित विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निर्वहन करता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन और उसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी सहमति हो और एक दूसरे पर हो पूरा विश्वास या भरोसा हो। संघीय शासन व्यवस्था का सामान्यतः तो दो और तरीके से गठन होता है। पहला, दो या दो से अधिक और स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के संविधान और व्यवस्था वाले देश में सामान्यतः प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। भारत में बहुत अधिक और विविधता विद्यमान है। भारत में बहुत अधिक विविधता मीन्स मतलब है कि बहुत सारे धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे क्षेत्रीय धर्म होते हैं जिन्हें बहुत सारी विविधताएं भारतीय संघीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उपनिवेशिक शासन तथा दुखदायी विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। भारतीय और संविधान के अनुसार भारत में दो स्तरीय शासन व्यवस्था लागू हो गई। पहले स्तर के रूप में संघ सरकार अथवा और केंद्र सरकार और कार्य करने लगी। दूसरे स्तर के रूप में राज्य सरकारें कार्य करने लगी। आगे चलकर पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था में एक तीसरा स्तर जुड़ गया जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। भारत में तीनों ओर संघीय स्तर के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र उनकी शक्तियां अलग अलग है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है जिनमें से और कोई भी संघीय और स्तर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक और भारतीय संविधान इसकी अनुमति दे नहीं देती। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधि शक्तियाँ का बंटवारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सरकारों का भारतीय संघीय व्यवस्था में तीन प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। कोई भी सरकार किसी भी और मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है और उसी के आधार पर वे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा। हमारे देश में केंद्र व राज्य और सरकारों के बीच अधिकार शक्तियों का संविधान द्वारा उपयुक्त बंटवारा किया गया ताकि टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो सके। अधिकार और शक्तियों के संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में पृथक किया गया है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची के बारे में बताया गया कि संघ सूची में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिनके आधार पर उन पर कार्य किया जाता है। संघ सूची जो होता है केंद्र से संबंधित होता है, जो केंद्र सरकार होती है उससे संबंधित होता है, जिसमें जितने भी अधिकार क्षेत्र होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार,
और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित होते हैं संघ सूची के अंतर्गत। इन विषयों से संबंधित समस्त कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इन और मामलों में कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पूरी की पूरे जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, वो केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार ही संघ सूची से संबंधित विषयों पर अपना कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में बताया गया कि इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय मुद्दों के विषय में सम्मिलित है और इन और विषयों में राज्य और सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची का जो विषय है यह और राज्य सरकार का है। राज्य से संबंधित जितने भी और विषय है इनके संबंधी पर जो भी कानून है वह और राज्य को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है समवर्ती सूची और जिसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं और वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार और जैसे विषय सम्मिलित है। ये विषय ऐसे विषय है जो केंद्र और राज्य सरकार और के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि समवर्ती सूची से संबंधित जितने भी विषय है उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जाए और कार्य करते हैं और दोनों ही और इन कार्यों को संपादित करते हैं। इन विषयों में दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कानून और को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारत का संविधान और बनने के बाद भी बहुत और सारे विषय विवाद से जुड़े हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संघीय व्यवस्था में विशेष स्थितियां क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था में समस्त राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अब लेटेस्ट अगर हम बात करें कुछ राज्य में से वो जो विशेष अधिकार है वो भी हटा दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 लगी हुई थी, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर आपको बताया जाए कि उसमें भी धारा 370 को हटा दिया गया है और वह भी एक भारत का अंग बन गया है। ठीक है, और इस राज्य को बहुत ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। किसको थे विशेष अधिकार? जम्मू कश्मीर को, लेकिन अभी वर्तमान समय में नहीं है। यहाँ की विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को और लागू नहीं किया जाता था। अन्य राज्य का कोई व्यक्ति और यहाँ भूमि या मकान नहीं खरीद सकता था। ये सारी जितने भी नियम कानून थे ये सारे के सारे वर्तमान समय में हटा दिए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन वर्तमान समय में उस राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। वहाँ पर जितने भी नियम कानून बनाए हुए थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारों का बंटवारा भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता है। इन और बंटवारों में यदि कोई बदलाव करना हो तो यह कार्य आसान नहीं होता और इस हेतु सांसद और में बदलाव के पक्ष में दो तिहाई बहुमत का और होना अनिवार्य होता है। साथ ही और भारत के कुल राज्यों में से आधे और राज्यों की और विधानसभाओं से संबंधित बदलाव के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक प्रावधान और कानूनों पर अपनी दृष्टि रखती है। शक्ति तथा अधिकारों के बंटवारे को लेकर किसी विवाद में न्यायपालिका निर्णायक की भूमिका निभाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में होता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार राजस्व हेतु अपने अपने अधिकार क्षेत्र कर लगा सकती है और संसाधन एकत्र कर सकती है। यह अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था में राज्य और कार्य हेतु नए कानून, नियम और आवश्यक होते हैं। इनके बिना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का होना आवश्यक होता है। नियम कानून बनाकर ही उस शासन संघीय व्यवस्था या शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्था को अच्छी तरह से कार्य और करने हेतु केवल संवैधानिक प्रावधान ही प्राप्त नहीं है। संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरित्र का सही रूप से होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था की सफलता का कारण और इसका लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, जो कि अधिकांश संघीय व्यवस्था वाले और देशों में विद्यमान है। राजनीतिक और चरित्र के कारण संघवाद की और भावना, एकजुटता, संस्कृति का आदर, सम्मान, एक साथ रहने की और इच्छा जागृत होती है। इस स्थिति के कारण ही भारत साझा आदर्श के रूप में स्थापित पाया है। अब हम बात करेंगे भाषा नीति के बारे में कि भाषा नीति क्या है। भारत की संघीय व्यवस्था को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भाषा नीति के मामले में भी और कठिन और स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत में किसी भी और भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं और दिया गया। यह अवश्य है कि हिंदी को राजभाषा और माना गया, क्योंकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 41% से अधिक लोग की मातृभाषा हिंदी है। पूरे और भारत में हिंदी के साथ
और भी और भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण का उपाय किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त और राज्यों को भी अपनी अपनी राजभाषा है, राज्यों में और उनकी और राजभाषा के सारे काम किए जाते हैं। भारत में सरकारी कामकाज में उपनिवेशिक काल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था, साथ ही साथ इसकी मान्यता सन 1965 में बंद होनी थी, लेकिन गैर हिंदी भाषा लोगों ने इसका विरोध किया। भारत में 41% से अधिक लोग हिंदी और उपभाषा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना था कि हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो, लेकिन तमिलनाडु में इसका और बड़ा विरोध हुआ और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी राजकीय कामकाज की अनुमति प्रदान की। भारत सरकार ने यह कदम और बहुत ही सोच समझ कर उठाया, क्योंकि और कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और इन राज्यों में हिंदी को और थोपा जाना संभवतः गलत होता है, इसलिए और नेताओं ने भाषा के मामले में लचीला रुख अपनाया। आगे हम बात करते हैं केंद्र राज्य और संबंध क्या होते हैं, उनमें आपसी संबंध क्या होते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के से संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पहलू है। केंद्र और राज्यों के और संबंध में आए परिवर्तनों के कारण भारत की संघीय व्यवस्था बहुत ही मजबूत हुई है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। इस पार्टी का शासन केंद्र और कई राज्यों में एक साथ रहा है। राज्यों में और जहां भी और इस पार्टी का शासन रहा है, वहां उस और राज्यों के स्वतंत्र संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव और तब आया जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग और दलों की सरकार बनी, जब केंद्र और सरकार और राज्यों की अनदेखी और करने में आरोप लगाने लगे कई बार, और केंद्र सरकार और संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्यों में स्थापित सरकार भी भंग कर देती थी, इस स्थिति में संघीय व्यवस्था के विरुद्ध थी। आगे भारत ने विकेंद्रीकरण किया है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला देश है। संपूर्ण और विश्व में इसे अच्छे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में माना जाता है। भारत जैसे और विशाल देश में केवल और द्विस्तरीय शासन केंद्र सरकार व राज्य सरकार व्यवस्था ही और कामकाज सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। साथ ही साथ भारत के कई राज्य यूरोप के कई और स्वतंत्र और देशों में भी और बड़े हैं। कई और ऐसे और राज्य भी हैं जिनकी अपनी अलग और संस्कृति व पहचान है। साथ ही साथ इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना नितांत आवश्यक है। जब केंद्र और सरकार और राज्य सरकार कुछ शक्तियों के स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत नगर पालिका को दे दिया जाता है, तो यह और स्थिति और सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाती है। विकेंद्रीकरण का स्वरूप क्या है? भारत में नीति और निर्माताओं के विकेंद्रीकरण के महत्व को समझा और संविधान में इसके लिए विभिन्न प्रावधान कर गाँव में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और नगर पालिकाओं आदि की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत तथा प्रभावी बनाने हेतु सन 1992 में संविधान संशोधन कर बड़ा कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई। नंबर एक पर आता है स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव और नियमित रूप से कराना और संवैधानिक बाध्यता है। नंबर टू, निर्वाचित स्वशासी और निकायों के सदस्यों और पदाधिकारियों के पद हेतु अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी और जातियों के लिए उपयुक्त सीटें आरक्षित है। महिलाओं को समुचित और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी और उपयुक्त संख्या में सीटें और आरक्षित है। थर्ड, प्रत्येक और राज्य में पंचायत तथा और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और लास्ट है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ भाग उपयुक्त स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ता है ताकि वे समस्त कार्य सुचारू रूप से कर सके। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव वार्डों में होता है और इन्हें पंच कहा जाता है और अध्यक्ष को प्रधान और सरपंच कहा जाता है। पंचायतों का कार्य ग्राम सभा की देखरेख में होता है। ग्राम सभा में ग्राम के मतदाता सदस्य होते हैं। यह और सभा ग्राम पंचायत के बजट और कामकाज पर नज़र रखती है, जिसके लिए साल में 2-3 बार बैठक करती है। प्रखंड स्तरीय पंचायत क्या होती है? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है।
जिसमें प्रखंड और स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद क्या होता है? किसी जिले की समस्त पंचायतों और समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद से संबंधित जिले की लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक और जिला स्तर के अधिकारियों भी सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख और इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर पालिका एवं नगर निगम शहरों के स्थानीय स्तर पर नगर और पालिकाएं होती है। बड़े और शहरों में नगर निगम होते हैं। इन दोनों संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित और प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। भारत की और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित स्थानीय सरकारों की उपयुक्त व्यवस्था विश्व में अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए लोकतंत्र की जड़ें अधिक मजबूत हुई है, साथ ही साथ लोकतंत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, इसके लिए अधिकारों में वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आधुनिक और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, इसे और सामान्यतः संघवाद कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, इसके आधार पर जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है और जिसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्ति है वह वो केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य विभक्त हो जाती है, बट जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और शेष इकाइयाँ उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं परिवर्तित कर सकती, बल्कि दोनों स्तर की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सरकारों में समाहित और आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय और शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, संघ सरकार, केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, और राज्य सरकार। इसके और बाद नगर पालिकाओं और पंचायतों के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। आगे भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय और शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत है भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों को तीन भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आगे भारत की संघीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधान कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका का गठन किया गया है। और इस प्रकार से यह लेसन जो है और पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।